इजरायली सेना ने गाजा के कोने कोने में घुसकर उसे खंडहर में तब्दील कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद वो हमास का सफाया करने में नाकामयाब रही है। उत्तरी गाजा में जिन इलाकों से IDF ने हमास को उखाड़ फेंका था, अब उन्हीं इलाकों में हमास की दोबारा वापसी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गाजा के रफा शहर में हमास का नेटवर्क अभी भी बरकरार है और रफा से अब इजरायली सेना पर एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से PM नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल रफा इजरायली सेना के लिए एक मौत का जाल बन गया है, जिसमें IDF बुरी तरह उलझती जा रही है। लेकिन PM नेतन्याहू का कहना है कि रफा से हमास के सफाए के बाद ही IDF गाजा से बाहर निकलेगी, लेकिन अब रफा पर हमले को लेकर इजरायल में विरोध शुरू हो गए हैं। दरअसल गाजा में तैनात 900 से ज्यादा इजरायली सैनिकों के माता पिता ने इजरायली सेना को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें IDF से मांग की गई है कि वो रफा पर हमलों को रोक दें। सैनिकों के इन माता पिता ने रफा को उनके बच्चों के लिए एक मौत का जाल बताया है। आपको बता दें कि 2 मई को ये चिट्ठी इजरायली सेना को लिखी गई थी। इस पत्र के जरिए सैनिकों के माता पिता ने इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट और IDF प्रमुख जनरल हारजी हलेवी से रफा ऑपरेशन रोकने की मांग की गई थी। इस चिट्ठी के मुताबिक सामान्य जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये साफ है कि रफा में घुसपैठ के संबंध में महीनों की चेतावनियों और घोषणाओं के बाद दूसरी तरफ की सेनाएं सक्रिय रूप से हमारे सैनिकों पर हमला करने की तैयारी कर रही हैं। हमारे बेटे शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके हैं और अब आप उन्हें इस खतरनाक स्थिति में भेजने का इरादा रखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लापरवाही से कम नहीं है। आपको बता दें कि रफा के भीतर किसी भी इजरायली सैनिक के लिए जटिल हालात हैं। हमास ने महीनों का वक्त लगाकर वहां पर खुद को मजबूत किया है। इसके साथ ही रफा के भीतर कई कठिन सुरंगें भी हैं, जो पूरे रफा भर में आपस में जुड़ी हुई हैं। और इसको लेकर गाजा में तैनात एक सैनिक की मां अनंत ने कहा कि रफा एक मौत का जाल है। हमारे सैनिकों की हत्या के लिए जगह तैयार करने के लिए हमास के पास बहुत समय था। हम बहुत चिंतित और परेशान हैं। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि गाजा के भीतर हमास का आखिरी गढ़ रफा है, जहां पर हमास की कम से कम 4 बटालियन तैनात हैं और हमास के सफाए और बंधकों की रिहाई के लिए रफा पर हमला जरूरी है। आपको बता दें कि हमास की कैद में अभी भी इजरायल के 132 नागरिक हैं। लेकिन रफा पर हमले को लेकर इजरायली सेना के भीतर कुछ सैनिकों में भी चिंता है। ऐसे में एक इजरायली सैनिक की मां ईदित का कहना है कि उसके बेटे ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर कहा कि वो रफा के भीतर जाने से काफी खौफजदा है। मेरे बेटे का कहना है कि वो हमास के साथ लड़ाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन रफा के भीतर घुसना इस मिशन को उचित नहीं ठहराता है।